Hi everyone, welcome and welcome back to your channel Useful Tips and Tricks for Home. और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कपड़ों पर या फिर कारपेट पर या फिर आपके टेबल क्लॉथ पर अगर कैंडल वैक्स गिर जाए, यानी कि मोमबत्ती का मोम अगर गिर जाए तो उसे हम इजीली कैसे साफ कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये एक क्विक क्लीनिंग टिप। सबसे पहली स्टेप है कि इस कपड़े के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा वैक्स है ऊपर ऊपर का, उसको आप इस तरीके से किसी वुडन स्पैचुला से निकाल लें, जितना पॉसिबल हो उतना उसे आप क्लियर कर लें। और अब जो बाकी का बेस है वैक्स का, उसे निकालने के लिए हमें चाहिए एक प्लेन वाइट पेपर और आयन। जहाँ पे ये वैक्स लगा हुआ है उसके ऊपर इस तरीके से हम वाइट पेपर रखेंगे और हमारी आयन को हम करेंगे लोएस्ट सेटिंग पर गरम। और इस तरीके से जब हल्की सी आयन गरम हो जाए तो सर्कुलर मोशन में हमें इस तरीके से आयन को घुमाना है। आप कलर पेपर मत लीजिए, प्लेन वाइट पेपर अगर हो तो वो अच्छा है, क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं पेपर के ऊपर वो नीचे कपड़े पर लग सकते हैं, इसीलिए ज़्यादातर प्रेफर करें कि आप प्लेन वाइट पेपर लें और इस तरीके से आयन को घुमाते जाए। आयन हल्की गर्म होने के कारण इस कपड़े के ऊपर जो भी वैक्स है वो हल्का सा मेल्ट होने लगता है और हमने इसके ऊपर जो पेपर रखा है इस पेपर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रोसेस को भी आप रिपीट करते जाए जब तक कपड़े के ऊपर से वैक्स ना निकले और बीच बीच में ये पेपर भी फोल्ड करें। अगर आपके पास आयन नहीं हो तो आप हेयर ड्रायर की हेल्प से भी इस प्रोसेस को कर सकते हो। सो देखा फ्रेंड्स, इस पेपर ने पूरी वैक्स को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये जो कपड़ा है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। बाद में आप इस कपड़े को नॉर्मली वॉश भी करके ले सकते हो। सो ये थी कैंडल वैक्स रिमूव करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक। आई होप कि ये आपको यूज़फुल लगी होगी। तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलिए।